हजरत अबू जर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ साथियों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज्यादा माल रखने वाले अजर व सवाब ले गए, वो हमारी तरह नमाज पढ़ते हैं और हमारी तरह रोजे रखते हैं और अपनी ज़रूरत से ज़ायद माल से सदका करते हैं जो हम नहीं कर सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए ऐसी चीज़ नहीं बनाई जिससे तुम सदका कर सको? बेशक हर दफ़ा सुबहानअल्लाह कहना सदका है, हर दफ़ा अल्लाहु अकबर कहना सदका है, हर दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह कहना सदका है, हर दफा ला इलाहा इल्लल्लाह कहना सदका है, नेकी की तलकीन करना सदका है और बुराई से रोकना सदका है, और बीवी से मुबाशरत करते हुए तुम्हारे उज्व में सदका है। सहाबा किराम ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, हम में से कोई अपनी ख्वाहिश पूरी करता है तो क्या उसमें भी अजर मिलता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बताओ अगर वो ये ख्वाहिश हराम जगह पूरी करता तो क्या उसे उस पर गुनाह होता? इसी तरह जब वो उसे हलाल जगह पूरी करता है तो उसके लिए अजर है।